तो क्लास 10th, वो मैं जो पिछला वीडियो बना था उसमें हमने देखा था कि पैरेलल लाइंस। अच्छा चलो मैं बोर्ड पे समझाता हूँ, है ना। तो आगे अपन बढ़ते हैं। कल अपन ने ऐसा देखा था बेटा कि अगर मैं दो लाइनें, वो लिखा पेयर ऑफ, पेयर पेयर मतलब दो, हाँ पेयर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमने कल दो लाइनें ड्रॉ करी थी, देखा था हमने। और वो अगर हम टू लाइंस ड्रॉ करेंगे तो पहला तो ये होगा यार, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ यूनिक पॉइंट, यूनिक पॉइंट, एक दूसरे को एक पॉइंट पे, केवल एक पॉइंट पे, यूनिक 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 पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। और अगर कोई बच्चा मुझे यहां पर ये बता दे कि वो कंडीशन क्या थी, तो तुम्हें चलो कंडीशन मैं ही लिखता हूं। ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। और ए वन ए टू क्या था, वो जैसे इसमें अपन बोले कि मेरे पास दो इक्वेशन है, 3x + 2y इज इक्वल टू 5 और 7x + y इज इक्वल टू 8। तो ये दो इक्वेशन, तो ये फर्स्ट इक्वेशन में 3 है, इधर 7 है, तो 3/7 रेशियो आ गया। इसमें क्या रेशियो आ गया बेटा, 2:1 आ गया। क्या आ गया, 2:1 आ गया। तो हमने बोला ये ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। इसमें दो लाइनें, कल अपन ने ग्राफ बनाया था, ग्राफ बनाया था तो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे, ठीक है। अब हम अपन इसमें आगे आगे चलते हैं, और जैसे अपन आगे चले तो यहां पर सेकंड पार्ट देखते, सेकंड है ना। तो सेकंड सेकंड जब कंडीशन क्या होगी कि दो लाइनें एक दूसरे को एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो यानी दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। पैरेलल लाइनें आपने देखी यार, अपने कॉपी में जितनी भी लाइनें होती है सब पैरेलल लाइन होती है ना। तो अपन ने उसे बोलते हैं नो सॉल्यूशन, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करा, यानी ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन। एक जगह इंटरसेक्ट करे एक जगह, और यहां पर दोनों लाइनें ऐसी जाती काटेगी नहीं एक दूसरे को, तो हमने बोला नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का अगर अपन देखें तो वो होता है ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। और अगर बाय द वे इसी इक्वेशन को ऐसा बनाना हो, ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तो बोलो यहां क्या लिख दूं, बोलो। हाँ अगर अपन देखें तो अपन ऐसा ये इन दोनों को थोड़ा सा अपन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो मैं ये दोनों तो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको लिख दिया x/7, इसे लिख देता y/7y। तो ये हो गया 1/7, ये भी हो गया 1/7, उधर आ गया 5/8। तो ये शुरू वाले दो पार्ट जो है वो उसका रेशियो आपस में सेम है। जब इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो वो दोनों लाइनें जब ग्राफ पे बनेगी तो कैसी बनेगी, पैरेलल। अगर आपके पास में, मैंने पहले बोला है कि अगर बुक नहीं है तो अपने पास में सीबीएसई ने दे रखा बेटा सीबीएसई। हाँ मुझसे पहले ही कुछ बच्चों ने मन में बोल दिया सीबीएसई NIC.in पर ये बुक है, उसे डाउनलोड कर लेना और उसे देखना। हाँ तो आपको ये देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो बड़ा सरल पार्ट है, ठीक है। फिर अपने ये तीसरा, फिर तीसरा पार्ट आते हैं कि दोनों लाइनें एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाए। जब ओवरलैप हो जाए तो फिर दो लाइनें किस बात की, वो तो एक ही लाइन है। तो उसमें क्या आ जाएगा बेटा, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू और क्या बेटा सी वन अपॉन सी टू, यानी सभी का रेशियो आपस में सेम होना चाहिए। तो देखो मैंने इस वाली इक्वेशन को अगर चेंज कर दूं तो ऐसा लिख देता 1/7 1/7 5 5 7 या 35, तो 1/7 है ना। तो इसमें दो लाइन नहीं बनेगी, वो पहली वाली लाइन का ग्राफ बनाओगे उसी पे दूसरी वाली लाइन का ग्राफ बन जाएगा। कल हमने ये समझा था। फिर हमने ऐसा देखा, हमने ऐसा देखा कि इस पार्ट को जब कहीं एकाध पॉइंट पे कट होती है ना लाइन, तो उसे बोलते कंसिस्टेंट, है ना, कंसिस्टेंस। तो अपन ने वो देखा कि ये कंसिस्टेंट है और ये भी कंसिस्टेंट है और ये भी क्या है, ये भी कंसिस्टेंट है, और ये वाला जो है उसे हम बोलते हैं नॉन कंसिस्टेंट, ठीक।
बुक में देखोगे वैसे कंसिस्टेंट। अच्छा इसमें भी तो बहुत सारे पॉइंट पे एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो इसे भी बोलते हैं कंसिस्टेंट और इसे बोलते हैं नॉन कंसिस्टेंट। ठीक, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं और हम ये निकालते हैं कि भैया ये वाले क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें वो पॉइंट निकालना है जहां लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसे करने के लिए बेटा यहां पर तीन मेथड दे रखी है ना। तो देखो सबसे पहले मैं वो मेथड आपको बताता हूं। वैसे तो क्या होना चाहिए, एक के बाद जो बुक में लिखा वैसी बताना चाहिए, पर मैं वैसा नहीं जानता हूं। मैं आपका है ना जो इंटरेस्ट जिसमें बनता है वो सबसे पहले बताता हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए कभी मेरे पास में ऐसा लिखा हो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और मेरे पे यहाँ लिखा हुआ है 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। सपोज ऐसा लिखा, 10 लिख देते, चलो हटाओ 10। ठीक, तो इसे सॉल्व करना हमें x और y की वैल्यू निकालना है। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, इसे अपन बोल देते इक्वेशन सेकंड। हमें करना है इक्विलेटिंग द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट समझते हो, ये x का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट है। अब मैं है ना एक चीज बताता हूँ, हम ऐसे देखते हैं कि इक्विलेटिंग द कोएफिशिएंट करते हैं। इक्विलेटिंग द कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि या तो x के कोएफिशिएंट ऊपर और नीचे दोनों सेम कर लो या ये वाला कर लो। चलो और मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ, इतना कहा देखो, एक काम करो, इस ये 3 है ना, इस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करो और ये 2 है ना, 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो। अच्छा देखो इसका मैजिक जादू है ना, तो वो जादू का क्या हुआ इसका, वो हमने देखा कि सर ये 3 का मल्टीप्लाई पूरे में करना बेटा, पूरे में इस 3 का मल्टीप्लाई पूरे में करा, तो ये हो गया 3 हो गया, इसका मतलब ये हो गया 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। देखो तो हो रहा है क्या, सही लिखा मैंने, 3 का मल्टीप्लाई करा, ऊपर से अपन है ना 2 का कर देते यार, 2 का कर देते, किसका 2 का, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई करा इस इक्वेशन में। अच्छा इसका नाम भी दे दो यार, इसको थर्ड बोल दो, चलो ठीक। और इसका अपन ने 2 का मल्टीप्लाई करा तो कितना है बेटा, 14x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना, तो किसका मल्टीप्लाई, 20। इसको मैं फोर्थ इक्वेशन बोलते, इसको ऐसा लगा दो बेटा, ये थोड़ा सा दूर रख लो। अब मैंने क्या करा, ये 6y ऊपर भी हो गया, 6y नीचे भी हो गया, हमें इसे क्या करना है, कैंसिल करना है। कैंसिल होगा तो कैसे, क्योंकि यार जो नीचे वाला है उसका है ना सभी के साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो। यानी कभी कभी हम ऐसा लिखते हैं 3 माइनस 4, तो माइनस करा तो ये यहाँ पर प्लस का साइन है, कुछ नहीं लिखा तो क्या हो गया, ये माइनस ये प्लस है, तो ये भी क्या हो गया माइनस और ये भी क्या हो गया बेटा माइनस, मतलब ये 20 के आगे कौन सा साइन लगा है, माइनस। अच्छा चलो अब इन दोनों को माइनस करते हैं, तो प्लस का 6y और माइनस का 6y क्या हो गया, कैंसर। अच्छा ये बताओ, ये प्लस का है 9 और ये माइनस का 14 है, माइनस की वैल्यू बड़ी है, इसमें से इसको माइनस करा, तो जब अपन एक दूसरे में से माइनस करते हैं तो साइन किसका आता है, जो बड़ा है, तो मेरे पास में आ जाए 9 में से 14 माइनस कर लोगे ना, हाँ कितना आया, माइनस 5x। बड़ी वैल्यू किसकी, 14, ये वाला है ना, ठीक है। अच्छा ये माइनस 20 और 15 माइनस 20, बड़ा कौन, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है जो प्लस वाली, हाँ माइनस वाली, तो हमने एक दूसरे में से माइनस करा, माइनस 5 आ गया। अच्छा माइनस से माइनस क्या कर दो, कैंसिल कर दो, 5 से 5 भी क्या कर दो, कैंसिल कर दो, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। ठीक है ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1, यानी हमें वही निकालना था कि x की वैल्यू भी निकालनी थी, एक कोऑर्डिनेट निकालना, तो x का x तो आ गया। अब अपन एक y कर निकालते, तो y के लिए तो ना थोड़ी काम करना है, y के लिए तो अपन एक सिंपल सा काम करते हैं क्या, कि जो फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू क्या कर दें, x की वैल्यू क्या कर देते, सब्स्टिट्यूट। तो मैंने लिखा, यहां लिखो ऐसा और बुक में देखोगे तो और अच्छा आएगा, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ किसकी, x, किस इक्वेशन में, इन इक्वेशन फर्स्ट।
अच्छा मुझे ये बताओ, यहां से ये एक्स की वैल्यू यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, सब में सेम आएगी, सब में सेम आएगी, है ना? कहीं भी रख दो, तुम्हें जहां मर्जी रखे उसमें रख दो, ठीक है? एक्स की वैल्यू अगर निकल गई है तो आपकी जहां मर्जी हो, लेकिन सबसे छोटी जो दिखे उसमें रख दो यार, इतना ज्यादा काम कहां करेंगे। तो मैंने लिखा 3x plus 2y is equal to 5, अगली बार इतना नहीं लिखूंगा, है ना? तो आप लोगों ने समझ लेना, क्योंकि इतना टाइम थोड़ी अपने पास। फटाफट अपन ने लिखा x is equal to 1, x is equal to 1 यानी 3, ये हो गया 2y, 2y is equal to 5, 2y is equal to 5 minus 3, 2y is equal to 2, y is equal to 1। यानी अगर बाय द वे मैं इसका कोई डायग्राम बनाऊं और पता चले दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो उसका पॉइंट क्या आएगा? यूनिक पॉइंट का आएगा जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, कहाँ? 1, 1 पर, यानी एक्स का कोऑर्डिनेट 1, वाई का कोऑर्डिनेट 1, दो लाइनें जाएगी जो एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? 1, 1 पे, ठीक है? और इस मेथड को क्या बोलते हैं? इक्विलेटिंग द कोएफिशिएंट, इक्विलेटिंग द कोएफिशिएंट, दोनों के कोएफिशिएंट को मैंने सेम कर दिया। एक क्वेश्चन और बता दो, एक क्वेश्चन पक्का बताता हूं मैं, एक क्वेश्चन और अपन करते हैं इक्विलेटिंग द कोएफिशिएंट, उसके बाद कोई नहीं, क्योंकि मेथड सब में सेम है ना। तो एक और बताता हूं, फिर उसके बाद अपन एक और दूसरा कुछ करेंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं अपन, तो चलिए हमने बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखा है कि 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 14, इक्विलेटिंग द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट को ऊपर कर दा, इक्वल कर दा, तो अपन क्या करें? मल्टीप्लाई, सिंपल सा। अच्छा जहां पर है ना बेटा प्लस माइनस हो तो उसके कोएफिशिएंट को ही कर दा, क्योंकि फिर तुम्हें अलग से माइनस लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। कैसे देखते हैं अपन। अच्छा एक काम करते हैं, ये वाला 5 का मल्टीप्लाई ऊपर, 3 का ना, माइनस 3 का नहीं, 3 का, 3 का मल्टीप्लाई नीचे। तो मैं अपने लिए, है ना, अपन दूसरे के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं, अपने लिए ही तो कर रहे हैं बेटा। तो हमने इसको क्या करा, हमने इसको 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो। तो जैसे ही 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करा तो ये हो गया 20x माइनस 15y इज इक्वल टू 45। कुछ गलती हो तो मुझे बता, ठीक है? चलो अब 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर देते हैं, तो 3 का जैसे ही करा तो ये हो गया 9x प्लस 15y इज इक्वल टू 3 का 42। अब जो आंसर आना चाहिए वो हम देखते हैं कि हमारा आंसर आता क्या है, ठीक है? तो मेरे पास में यहां से अगर देखा जाए तो अच्छा चलो मैंने, अच्छा इस बार ये वाली इक्वेशन जो हो गई वो थर्ड हो गई और ये इक्वेशन जो हो गई वो फोर हो गई। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर रुक गया था, मुझे लगा कि मेरा कोई आंसर गलत तो नहीं आ रहा, पर मुझे समझ में आया कि इस बार एक माइनस साइन अपने को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बेचारे खुद ही माइनस प्लस है, क्योंकि ये खुद मरने को तैयार है, ये 15y और ये माइनस का 15y, ये खुद ही आपस में लड़ ली, खुद ही कट गए, ठीक है? तो हमने इसको देखा ये आपस में दोनों कैंसल हो गए, है ना, ये तो ऐसे ही बोला मैंने, है ना? और इसको अगर अपन देखें तो 29x इज इक्वल टू कितना 7 और ये कितना 8, 29 थ्री जा तो x इज इक्वल टू मेरा आंसर कितना आया, x इज इक्वल टू आंसर आया 3। x और भाई आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है? तो हमने इसको देखा x इज इक्वल टू कितना आ गया 3, और मैंने क्या बताया था कि अगर x की कोई वैल्यू आ गई है तो फिर इतना काम कौन करता है भाई, फिर अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने लिखा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, यहां पे लिख लेना, है ना, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ठीक है? ये क्या बेटा x इज इक्वल टू 3 रख दो तो कितना आ गया 12 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अरे वाह, माइनस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 9, बड़ी वैल्यू किसकी, ना उल्टा लिख दिया 9 माइनस 12, बच गया, नहीं तो भी गलत आता, ठीक है बेटा? चलिए माइनस 3y इज इक्वल टू कितना,
माइनस थ्री, तो वाई इज इक्वल टू कितना, माइनस से माइनस थ्री से थ्री एक बार कट गया यार, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, तो वाई इज इक्वल टू आया वन। तो हमारे पास में वो यूनिक पॉइंट जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दो लाइनें मुझे पता नहीं ये लाइन कैसी बनेगी, मुझे पता नहीं, लेकिन अगर बाय द वे ये थ्री है और ये वन है, तो ये दोनों लाइनें कैसी भी बनती हो, कैसी भी बनती हो, ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे जिसके कोऑर्डिनेट जो है वो 3,1, यानी एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 1, वहां पर ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे। मान के चलो पक्का 10th में सबसे सरल आपको जो लगेगी वो यही वाली ही लगेगी, क्योंकि सर करना कुछ नहीं रहता, इस वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करो, इधर करो, प्लस माइनस लगा दो, ये पहले वाले में मैंने माइनस साइन चेंज करा था, है ना, दोनों सेम साइन के थे, इस बार दोनों सेम साइन के नहीं हैं, तो वो खुद ही कट गए, हाँ आपस में कैंसिल हो गए, जैसे ही कैंसिल हुआ हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू उठा के हमने कहीं पर सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये दो, ये वाला दो क्वेश्चन अपन ने करे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन अपन कर नहीं सकते, इसके करेंगे तो बेवजह टाइम वेस्ट होगा। एक दूसरा मेथड और है, इसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड, कोएफिशिएंट को आपस में इक्वल करना, ठीक है। अब अपन कौन सा करते हैं, हम करते हैं सब्स्टिट्यूट, वैसे सब्स्टिट्यूट अपन ने करा यहाँ पर, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा यहाँ पर, है ना, लेकिन उसमें वैल्यू नहीं, उसमें अपन क्या करेंगे कि x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर लाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में वैसा भी कोई ले लेता हूँ, सब्स्टिट्यूट कभी कभी बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है, जिसको आता है उसके लिए सब सरल, अगर बाय द वे चार क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दिया तो आपको सरल लगेगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूँ और उसे सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करता हूँ, है ना, तब तक आप इसे नोट कर लो। तो इस बार हमने दो क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख दिए और इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। क्या होता है, सब्स्टिट्यूट मेथड में बड़ा सिंपल सा पार्ट है, आप बिना किसी परेशानी के सॉल्व करना, कैसे, ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, अच्छा किसी एक इक्वेशन से काम करो और उसकी वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में रख दो, क्या मतलब, उसका मीनिंग ये हुआ कि मैं एक काम करता हूँ बेटा, मैं सेकंड इक्वेशन में से ये वैल्यू निकाल रहा हूँ, देखो क्या x इज इक्वल टू, ये माइनस का उधर गया तो क्या हो गया बेटा, प्लस का हो गया, तो ये मैंने लिखा 5y + 3, लिखा ऐसा, यानी हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की, यानी हमें एक वेरिएबल की वैल्यू यहां से निकाल लेना, किसी भी इक्वेशन उसमें आपको जो अच्छी लगे, मुझे तो यहां x तुरंत निकल आया इसलिए मैंने सेकंड इक्वेशन, अच्छा सेकंड इक्वेशन से ये वैल्यू निकाली और सब्स्टिट्यूट काहे में कर दी, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट, मैंने इस x की वैल्यू को मैं यहां रख दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हुआ बेटा, इक्वेशन फर्स्ट क्या है अपनी, 2x + 3y = 7, 2, अच्छा x भाई साहब क्या है, वो है 5y + 3, तो उसकी वैल्यू अपन ने रख दी 5y + 3, प्लस 3y = 7, x की वैल्यू मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर दी और x की वैल्यू मैंने यहां रख दी, जैसे जैसे मैंने यहां रखा, जैसे मैंने यहां रखा तो ये आ गया 10y + 6 + 3y, अच्छा ये 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये यहां आ गया, ये 3y = 7, अच्छा एक काम और करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैंने वैल्यू रखने में कोई गलती तो नहीं कर दी, तो मेरे पास में आया 5y + 3, तो y = मेरा जो आंसर आना चाहिए, जरा देखें यार, हाँ मैं इसे थोड़ा सा देखता हूँ और उसके बाद अपन इसे आगे बढ़ाते, मुझे लगता है कि कहीं फिर से एक बार देखने की जरूरत है, तो मैंने इसे देखा
और जब मैंने देखा ना तो मुझे 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 मेरी गलती समझ में आई। वो क्या बेटा कि यहाँ पर मैंने इसको तो उधर ले गया, अब ये माइनस का थ्री था इसे मैंने बेवजह प्लस का थ्री बना दिया। ना यहाँ गलती हुई। और देखो उस गलती होने से मेरा आंसर थोड़ा सा दिक्कत देने लगा था, मैंने इसे माइनस करा और ये मेरे पास आ गया माइनस का सिक्स। ठीक है, अच्छा अब तो आप क्लियर हो गया यार। टेन वाई और थ्री वाई कितना बेटा, थर्टीन वाई, और सेवन प्लस सिक्स कितना, थर्टीन। थर्टीन वन जा थर्टीन, वाई इज इक्वल टू कितना आया मेरा, तो अच्छा इसको जरा राउंड कर देता हूँ, दिखे तो हमें कि y इज इक्वल टू कितना आया, वन। और आपको पता है कि अगर y इज इक्वल टू वन आ गया तो इसमें रखो इस बार, हाँ ये तो डायरेक्ट x निकलेगा ना बेटा, अभी ये तो अपनी समझदारी पर है। तो हमने क्या करा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में रख दो, तो ये क्या आ जाएगा बेटा थर्ड में। अब मेरे पास इधर जगह नहीं है तो मैं ऊपर कर लेता हूँ, तो x इज इक्वल टू कितना, अच्छा y की वैल्यू कितनी है, वन, तो वन यहाँ रखो ना यार, तो वन रखा तो कितना हो गया, फाइव माइनस थ्री कितना आंसर, टू। अरे वाह, तेजी से आंसर हमारा आ गया, और वो आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू टू, y इज इक्वल टू वन। ठीक है, सब्स्टिट्यूट को मतलब क्या कि हमने किसी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाली और उसी में मत रख देना, नहीं तो फिर तो वही बन जाएगा। तो हमने मान लीजिए सेकंड से ये बनाया, तो इसको फिर किस में रखो, फर्स्ट में, है ना। सेकंड से बनाया तो कहाँ में रखो, फर्स्ट में, वो फर्स्ट से बनाया तो फिर अपन कहाँ रखते, सेकंड में। अब थोड़ा सा मैंने यहाँ से भी एक क्वेश्चन उठा लिया, हाँ तो मुझे ऐसा लगता पहले तो मैं इसे कठिन तरीके से करने वाला था, पर बाद में मुझे अभी देखते हैं देखते समझ में आ गया कि मुझे फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर देना चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन को। तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करा तो ये फर्स्ट इक्वेशन से आ गया y इज इक्वल टू, भाई नहीं रहने दिया इसको, उधर कूदा दो यार, सिक्स माइनस टू एक्स। गलती हो तो बताना मुझे, नहीं तो पता चले यहाँ जैसा हो जाए प्लस की माइनस ऐसा, जो माइनस प्लस का ही तो खेल है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स सबसे सिंपल, सबसे सिंपल, सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल है। एक बार इंटरेस्ट ले लो थोड़ा सा, फिर देखो क्या नहीं आता है। मैंने जितना आज पढ़ाया उसको थोड़ा सा आप देख लो, तेजी से फास्ट फॉरवर्ड में देख लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ये मेरे पास लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये कहाँ से लिया बेटा, ये अपने फर्स्ट से, सब्स्टिट्यूट कहाँ पड़ेगा, करना पड़ेगा सेकंड में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में, फर्स्ट, फर्स्ट में नहीं सेकंड में। तो मैंने रखा सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, 3x माइनस टू हाई इज इक्वल टू टू, 3x माइनस टू हाई क्या, 6 माइनस टू एक्स इज इक्वल टू टू। अरे बड़ा सिंपल सिंपल कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं। फिर ये आ गया 3x माइनस ट्वेल्व प्लस 4x इज इक्वल टू टू, तो ये हो गया 7x इज इक्वल टू 14। काट दो इधर से, x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू टू कितना आया, x इज इक्वल टू टू। हमने कुछ नहीं करा, हमने सब्स्टिट्यूट करी वैल्यू, क्या करा, सब्स्टिट्यूट वैल्यू करी इस वाली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली, उसको कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसे सब्स्टिट्यूट, मैंने तो तुम्हें बोला था कि अगर फर्स्ट से निकाली है तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करो, सेकंड में सब्स्टिट्यूट करा, थोड़ा सा सॉल्व करा यार, ये तो आप लोगों का आता है, नाइन्थ में अपन ने बहुत करा है ना। तो हमने देखा x इज इक्वल टू कितना आ गया, टू। तो ये कौन से पॉइंट है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, दो लाइनें बनेगी उसका, इसका इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ गया, इसको लिख भी दो, 2-1 इज अ यूनिक पॉइंट। हाँ, और इसको क्या लिखो यार बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे सब्स्टिट्यूट तो अभी करा ही नहीं, x की वैल्यू 2 आ गई तो x की वैल्यू यहाँ रख दो यार, ऐसे ही तुम्हें पता, 2 इंटू टू 4, 6 माइनस टू, ओ 6 माइनस 4 यानी y इज इक्वल टू कितना, 2। तो ये पॉइंट क्या आ गया, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को 2-2 पर इंटरसेक्ट करती है, क्लियर है। अब ये इसको बोलते सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले अपन ने कौन सी करी थी, इक्विलेटिंग द कोएफिशिएंट, दोनों के कोएफिशिएंट को आपस में इक्वल करा था। एक और है यार, बस एक और है, उसको अपन बोलते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड तो अपन इजी तरीके से करते हैं और उसके भी दो एग्जांपल लेंगे, और
तुरंत सॉल्व हो जाएगा। मैं उसका फार्मूला डिराइव अभी नहीं करूँगा क्योंकि डिराइव करने से मतलब नहीं, वो एग्जाम में वो डिराइव नहीं पूछते हैं, पर आपको समझा जरूर दूंगा कि वो क्या है, है ना। तो चलिए मैं ये दो मेथड आप लोग सीखिए, तब तक मैं वो तीसरी मेथड बोर्ड पे लिखता हूँ। तो एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, और इस समय है ना मैं इसको डायरेक्ट समझाता हूँ, डायरेक्ट ऐसे समझाता हूँ, वैसे तो फिर A1 A2 B1 B2 C1 C2 से, पर वो बहुत लंबा चले जाएगा बेटा। मुझे ऐसा आपको सिर्फ सॉल्व करवाना इस समय सिखाना है, तो मैं क्या करता हूँ इजी पार्ट ले लेता हूँ इजी। तो आप ये समझो कि मैं है ना इसको लिखने का तरीका, इसको यहाँ से लिखना नहीं, साइन जो रहेगा वैसा का वैसा हम लिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं, कोएफिशिएंट तो वन है, तो मैंने यहाँ से लिखा ये वाला, इसको ये A1 A2 था, B1 B2 था, C1 C2, चलो ये तो लिख देता हूँ मैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, B1 B2, फिर C1 C2, फिर होगा A1 A2 और फिर होगा B1 B2। मतलब अपन ये कोएफिशिएंट कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से, और लिखते लिखते वापस यहाँ पर आएंगे सिर्फ, और वैल्यू अब रख देता हूँ, है ना। आप समझ गए कि B1 जो होगा वो 3, तो मैंने ये 3-1 लिख दिया, फिर ये 13-1, फिर ये लिखा 2-4 और फिर क्या 3-1। ठीक है, आप मेरा ऐसा सोचना है कि आप जो क्वेश्चन करो वो एक ही मेथड से करो जो मैं बता रहा हूँ, और आप दूसरी मेथड से करो तो फिर हमेशा उसी मेथड से करना। मैं जब भी क्लासरूम में करता हूँ तो मैंने एक तरीका ले रखा कि C1 C2 इक्वल के इधर आए, है ना, राइट हैंड पे आए। तो आप भी वैसा करेंगे तो बेटर है, हमेशा इसी तरीके से करना। कभी इधर रख लिया, कभी इधर रख लिया, तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको होगा, क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। कभी कभी लिखा हुआ भी आता है कि आप इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मेथड से सॉल्व करें। तो देखो ये सिंपल सा तरीका, पहले लिखो एक्स और इसका मल्टीप्लाई नीचे B1 B2 लिखा, तो हमने लिखा ऐसा, वो क्रॉस वाला ऐसा, ऊपर से नीचे गए तो हमारे पास में आ गया 3 × 11 माइनस, फिर नीचे गए, फिर नीचे से ऊपर आ जाओ, ऐसे ही जाना है, तो अपने पास आ गया 1 × 13 इज इक्वल टू y। तो y में इसका ले लो बेटा, तो कितना आ गया 52। आप तो लिख दो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यार, 52 माइनस, बीच में माइनस का साइन आता है, 22, और यहां पर माइनस 1 लिखना कब, जब C1 C2 इधर हो, ठीक है। तो मैंने उसे लिखा 2 − 12, सिंपल, क्या करा ऐसा कर, ठीक है। तो x आ गया अपने पास में, x सबसे पहले x लिखा, तो ये वाला शुरुआत कहां से, सबसे मेन पार्ट शुरुआत कहां से बेटा, b1 b2 से, ठीक है, ये वाले, ठीक। तो मैंने इसको लिखा, इसको ऐसा कर दिया और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, फिर मेरे पास में आया x डिवाइडेड बाय 33 माइनस 13 कितना 20, y डिवाइडेड बाय ये आ गया 30 और कितना आ गया बेटा −1 / −10। अच्छा माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन हो गया खत्म। कैसे, तो हमने लिखा x/20 = 1/10, यानी इसको अभी ड्रॉप कर दिया, तो क्या हो बेटा ये ऊपर चले गया, तो x = आ गया 20/10 और इसको अपन ने कैंसिल कर दिया, तो आंसर आया। और y = तो ये आ तो गया यार बेटा, इसको ले लो, y = 30 उधर चले गया, 30/10 आंसर कितना आया 3। चेक कैसे करें, x = मेरा आंसर तो आ गया यार, x = 2 और y = 3, ये आंसर सही है क्या, मुझे क्या पता, अरे क्योंकि पता लगा लेते हैं ये, इसकी वैल्यू x की वैल्यू यहाँ रख दो, x की वैल्यू 2 रख दी, x की वैल्यू 2 है ना, तो हमने x की वैल्यू 2 रख दी, कितना आया 4, y की वैल्यू कितनी है 3 जा कितना 9, आंसर कितना आ रहा 13 आ रहा है क्या, क्या आ रहा है। अच्छा इधर रख दो तो कभी
तो हमने इधर रखा तो ये आया x की वैल्यू कितनी 2, तो मैंने रखा 8, और y की वैल्यू कितनी है 3, आंसर कितना आया 11। ठीक है, तो इस मेथड को अपन क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और ये तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया आपके लिए कि पता है, अगर आपको देखना है कि भाई पहली बार में नहीं आया तो मैंने शुरुआत करी B1 B2 से, वापस रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने वीडियो को थोड़ा सा रिपीट कर लो, हाँ पिक्सल थोड़े से बढ़ा लेना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपन जो एक्स और वाई जो लिखे हुए हैं वो थोड़े से कभी छोटे दिख रहे हो, उसको फिट कर लेना अपनी स्क्रीन के ऊपर तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा। मेरे पास तीन तरीके थे और मैंने आपको तीनों समझा दिए। पहला मैंने समझाया था इक्विलेटिंग द कोएफिशिएंट, दूसरा मैंने आपको समझाया था सब्स्टिट्यूशन, हाँ सब्स्टिट्यूट, और तीसरा मैंने कौन सी आपको मेथड समझाई, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आप बुक आपके पास में हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो मैंने क्या बोलना चाहिए, एक साइट दी थी CBSE वाली, CBSE NIC.in, उस पर जाकर नोट कर लो। अच्छा, मैंने आपके मोबाइल पे भी लिंक भेजा है ना, तो वो लिंक आप देखें, उसे पढ़ें, और बाय द वे आपकी कुछ क्वेरीज हो तो मैं यहाँ नंबर लिख देता हूँ उस पर। अच्छा, मैंने आपको लिंक भेजा ही है, उसी पर आप भेज सकते हैं, है ना। तो जैसे आप अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप डाल दीजिए, तो मैं उसे देख लूँगा और नेक्स्ट डे हम लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इसे बोर्ड से उतार लीजिए, कल हम इसके आगे जाएंगे, और बहुत सारे आपके पास क्वेश्चंस हैं जो वर्ड प्रॉब्लम में हैं, हम उसे कल फेस करेंगे, देखते हैं हम लोग। ठीक, चलिए, थैंक यू, स्टे होम।